ठीक है। देखो मेरा नाम है हंसराज चौधरी, मैंने बीटेक किया है, ठीक है, आरआईटी भागटोटा से। तो आज मैं हमें पढ़ आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स देखते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। आपके तीन पेपर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पेपर होते हैं देखते हैं। पेपर वन, ठीक है, पेपर टू और पेपर थ्री, ठीक है। पेपर वन होता है डिस्क्रीट मैथ्स मैथमेटिक्स, ठीक है, ये होता है अपने 40 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में पेपर सेकंड होता है अपने कैलकुलस का, ठीक है, सेकंड पार्ट होता है अपना, सेकंड जो पेपर होता है वो होता है कैलकुलस का। पेपर थर्ड होता है अपने पास में 3D एंड LPP। देखो ये भी 40 मार्क्स का होता है, ये भी 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल ये 120 मार्क्स के हो गए, टोटल कितने नंबर के हो गए, 120, 120 नंबर के हो गए। 120 में से 120 तो ये हो गए पेपर्स के, थ्योरी के, और 30 नंबर होते हैं अपने प्रैक्टिकल के, तो टोटल नंबर्स हो गए 150। तो अपना मैथमेटिक्स का वेटेज कितना है फर्स्ट ईयर में, 150 मार्क्स है। उसके बाद में देखो जो अपना पेपर वन होता है डिस्क्रीट मैथ्स, ये इसको बोलते हैं वीक गणित है। उसके बाद में कैलकुलस होता है, फलन होता है अपना 3D के अंदर, अपनी 3D डायग्राम्स या 3 डायमेंशंस आ जाएंगे, जैसे स्फीयर हुआ, कोन हुआ, और स्फीयर हुआ, कोन हुआ, सिलेंडर हुआ, ये 3D में आ जाते हैं। LPP मीन्स होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तीन पेपर चलते हैं, हम आज पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सेट्स, ठीक है। पेपर वन कितने नंबर का होता है, ये 40 मार्क्स का। इसमें 5 यूनिट होती है, ठीक है, कितनी यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ेंगे पेपर वन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। यूनिट वन होती है डिस्क्रीट जो मैथमेटिक्स होती है, उसमें 5 यूनिट होती है अपनी, कितनी यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है। उसमें से पहली यूनिट का नाम क्या है, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स मतलब समुच्चय और रिलेशन मतलब संबंध और फंक्शन मतलब फलन, ठीक है। समुच्चय, संबंध एंड फलन ये कितने नंबर की आएगी, ये 8 नंबर की आती है अपने, ठीक है। सेट्स का ये क्वेश्चन आएगा और अथवा में आएगा रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन अपने, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं समुच्चय, कि समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समुच्चय से, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेट्स से, मतलब समुच्चय। समुच्चय से स्टार्ट करते हैं, समुच्चय क्या होता है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये होता है अपना सेट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये तो हो गई अपनी इंग्लिश मीडियम में, जो बच्चा इंग्लिश से आया हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में इसको बोल सकते हैं वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित
सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह समुच्चय, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित मतलब उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ आपको अपने स्पेस में कितने स्टार्स हैं, ठीक है, या उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उनका नाम दे दो अलग अलग, तो उनकी कोई भी, उनको हम एक सुपरिभाषित नहीं कर सकते उनको, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें सुपरिभाषित का एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई मंथ जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, जे से मंथ्स महीने, तो जैसे स्टार्ट होता है जनवरी, जनवरी जून एंड जुलाई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना एक समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई मंथ आता है जैसे स्टार्ट होने वाला, नहीं आता, तो जनवरी जून और जुलाई, इनके अलावा कोई नहीं आता, तो ये एक सुपरिभाषित है, एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। जैसे स्टार्स कितने होते हैं तो हमें इनका पता नहीं होता कि कौन सा, जैसे कि इनके नाम क्या क्या है, उनको हम एक समुच्चय, एक सुपरिभाषित वेल डिफाइंड में उनको लिख नहीं सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सेट्स का, डेफिनेशन लिख लेना साथ के साथ में। अब देखो कि सेट्स को लिखते हैं कैसे हैं, ठीक है, जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी से, इनसे, इनको तो लिखते हैं सेट्स से, जो सेट होता है, जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट में एलिमेंट्स होंगे उनको किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से, ए बी सी और डी, ये क्या है, एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स, एक सेट के, एक समुच्चय के, एक समुच्चय के एलिमेंट्स क्या है इसमें, ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स हैं, इनको अवयव भी बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। सेट को लिखेंगे ए बी सी डी कैपिटल लेटर्स से, ए बी सी डी से, और अवयव जो एलिमेंट्स होंगे उसमें वो किससे लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, जैसे सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या हो गया अपना, एक सेट हो गया। तो मैंने सेट को किससे लिखा है, ए से, और इसमें अवयव जैसे 1 2 3 हो गया तो ये सेट हो गया, इसमें हमें स्मॉल लेटर में लेता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है, ए इक्वल टू ब्रैकेट ए बी सी डी, ठीक है, ब्रैकेट ये आएगा जो मंजिला ब्रैकेट होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ठीक है, ऐसे लिखोगे तुम लोग ए बी सी डी तो ये गलत होगा अपना, ऐसे भी नहीं लिख सकते इनको, बड़े वाले ब्रैकेट से भी नहीं लिख सकते, तो ये गलत होता है, यह वो गलत फॉर्म होती है। सही फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली लिखने वाली होती है। अब देखो इसमें देखो कि ए बी सी डी ये क्या है, एलिमेंट्स है, अवयव है ये, ठीक है, ये अवयव है, एलिमेंट्स, ठीक है, तो इनको बिलोंग्स करने के लिए हमें देखो बी बिलोंग्स टू ए, बी किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से, मतलब ये बी किसका पार्ट है, सेट ए का पार्ट है, बी ए का एलिमेंट भी है, जो आपको बोलना वो बोल सकते हो। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे ई, ई दिख रहा है इसमें कहीं पे, नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, नोट बिलोंग्स टू ए, ई ए का एलिमेंट्स नहीं है, जो ये ई है ना वो ए का अवयव नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो सेट ऐसे लिखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं हम लोग समुच्चय का
निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो दो तरीके होते हैं सेट्स को लिखने के, एक तो मैंने सारणीबद्ध होते हैं, सारणीबद्ध एक तो ये तरीका होता है सारणी, जैसे मतलब मैं लिख दिया ए ब्रैकेट ए बी सी डी, एक तो ये तरीका हो गया अपना सेट्स को लिखने का। ठीक है, एक होता है रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग, रूल या नियम के अकॉर्डिंग। अब देखो रूल या नियम के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मैं एक्स को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ए ब्रैकेट एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत मीन्स नेचुरल। ठीक है, कैसी संख्या है ये, कैसा नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है। एक ये तरीका हो गया, एक तो हो गया अपना सारणीबद्ध तरीका जो ये लिखा मैंने, एक हो गया अपना नियम वाला मेथड। ठीक है, उसके बाद में देखो ये मिटा देता हूँ मैं, लिख लेना साथ के साथ में, देखो उसके बाद में देखते हैं कि समुच्चय कितने टाइप्स के होते हैं, समुच्चय और जो सेट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समुच्चय, समुच्चय सेट्स ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये फाइव टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, फाइव टाइप्स के। तो पहला देखो अपने आ जाता समान समुच्चय, समान समुच्चय, सिमिलर सेट्स, सिमिलर सेट। उसके बाद में सेकंड आ जाता है अपना समान समुच्चय हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, या यहाँ पे लिख दो तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय, ये हो गया तुल्य समुच्चय। ठीक है, सिमिलर सेट, तुल्य समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। और उसके बाद में अपना आता है नेक्स्ट वाला रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो, उसके बाद में नेक्स्ट वाला आ जाता है एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ये हो गया एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट, क्या बोलते हैं, सिंगल टोन सेट बोलते हैं हम लोग। और फिफ्थ वाला यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फिफ्थ वाला, ठीक है, ये होता है परिमित, परिमित और अपरिमित, समुच्चय। ठीक है, परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब देखो परिमित और अपरिमित मतलब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसका लिख देता हूँ मैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इसको बोलते हैं सिमिलर सेट, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय एंड परिमित एंड अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसको लिख लेना साथ के साथ में पहुँच करके। उसके आगे देखो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि समान समुच्चय क्या होता है, तुल्य समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है और परिमित एंड अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो देखो उसके बाद में हम एकल समुच्चय से स्टार्ट करते हैं, एकल क्या सॉरी समान समुच्चय से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो समान समुच्चय, देखो समान समुच्चय क्या होते हैं, जिनके एलिमेंट्स या अवयव
क्या हो, समान हो, उनको क्या बोलते हैं, समान समूचे। जैसे मैं लिख दूं ए सेट है कोई, इसमें एलिमेंट्स क्या है, अवयव क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है इसके अवयव। एक बी सेट है उसके एलिमेंट्स भी क्या है, ए बी सी डी। तो देखो ए बी दो सेट अपने पास में, दोनों में एलिमेंट्स जो अवयव है ठीक है वो समान है। देखो ए बी इसमें भी है, इसमें भी है ठीक है। तो ये वाला जो दोनों सेट्स है वो कैसे सेट्स है, समान समुच्चय, सिमिलर सेट है ये दोनों। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब क्या, दो समुच्चय में अवयव समान हो तो वो समान समुच्चय कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है ठीक है। दो समुच्चय में अवयव समान हो, जैसे ये अवयव सेम है ए ए बी बी सी सी डी डी, तो ये कैसा है, समान समुच्चय। एक और होता है अपना, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे ए ठीक है, ब्रैकेट ये तो अपना सारणीबद्ध वाला हो गया, एक साइड में लेता हूँ मैं यहाँ पे x प्लस फाइव, एक्स क्या है यहाँ पे एक प्राकृत संख्या, एक्स क्या है यहाँ पे एक प्राकृत संख्या ठीक है, कैसा है प्राकृत संख्या। एक b है ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू सिक्स ले लेता हूँ मैं, x प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, एक्स यहाँ पे क्या है एक पूर्ण संख्या है, कैसे संख्या है पूर्ण संख्या, कैसे संख्या है पूर्ण संख्या है। अब देखो एक सी ले लेता हूँ मैं, सी में बोल दिया मैंने वैल्यू वन। अब मैं तुम्हें बोलूँ क्या ये तीनों जो ये तीन सेट अपने पास हैं वो क्या वो समान है, क्या क्या सिमिलर है क्या तीनों सेट, तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को, निकालना पड़ेगा कि भाई इक्वल है या नहीं है। तो निकालने के लिए देखो इसको निकालता हूँ मैं, x प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, फाइव इस साइड जाएगा माइनस वन हो जाएगा तो वन आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे वन ठीक है। क्या वन प्राकृत संख्या है, हाँ भाई प्राकृत संख्या है, तो मतलब ये सही है, वन आ गया यहाँ पे। अब सेकेंड वाला निकालता हूँ बी, बी में क्या है एक्स प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, इक्वल टू सिक्स यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू वन आएगी, तो ये भी क्या है एक पूर्ण संख्या है ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, अभी इसके बाद में स्टार्ट करते हैं ये चीज़। सी, सी में तो पहले से वन है, तो तीनों में x की वैल्यू और सेट की वैल्यू, इसमें एक की वैल्यू क्या आई, इसमें वन आई, इसमें b की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू वन है और b की वैल्यू भी क्या आई वन ही होगी, और c की वैल्यू पहले से वन है। तो देखो वन यहाँ पे एक पूर्ण प्राकृत संख्या है, b भी यहाँ पे एक क्या है पूर्ण संख्या है, तो वन आया, जो तीनों में क्या है सेम है, तो ये a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये तीनों सेट क्या है इक्वल है। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, पता करना होता है। अब देखो एक बार हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं अपने पास में ठीक है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं अपने पास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या से, कि प्राकृत संख्या क्या होती है ठीक है। प्राकृत संख्या होती है अपने पास में नेचुरल नंबर, नेचुरल
नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर अपना पास में होता है ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। ये क्या होती है अपनी प्राकृत संख्या। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आएगा अपने पास में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है अपना होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर होता है अपना, तो होल नंबर स्टार्ट होता है हमेशा जीरो से। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेट ले लिया बी, ये बी सेट है, इसके एलिमेंट्स, इसके अवयव क्या है, जीरो से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो, वैसे नेचुरल नंबर को या प्राकृत संख्या को हम सेट में कैसे डिनोट करते हैं, एन से, कैपिटल एन से, एन से हम डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या को, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट में डब्लू से, किससे करते हैं, डब्लू से। तो मैं कभी यहाँ पे डब्लू लिख दूँ तो समझ जाना वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, होल नंबर। एन लिख दूँ तो वहाँ समझ जाना कि ये क्या है, नेचुरल नंबर अपना, ठीक है। उसके बाद में देखो आप, उसके बाद में आती है अपने पास में नंबर। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर भी है। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर भी है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, हो सकती क्या, होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक संबंध निकला कि नेचुरल नंबर, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं कि एन जो नेचुरल नंबर है वो बिलोंग्स टू डब्लू, डब्लू, ठीक है। ये एन किससे बिलोंग्स करता है, डब्लू से। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आती है अपने पास में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर्स, मतलब प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो इसको लिखते हैं या तो आई से, ठीक है, या और जेड से, दोनों को लिख सकते हैं। इक्वल टू, इसमें आता है 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन। अब देखो, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आती है, ठीक है। इस पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आती है और प्राकृत संख्या भी आती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि n एंड w बिलोंग्स टू इंटीजर i से, मतलब ये नेचुरल और होल नंबर दोनों बिलोंग्स करते हैं आई से, मतलब ये पूर्ण संख्या पूर्णांक में है, ये प्राकृत संख्या भी किस में, पूर्णांक में है। तो आप समझ लो कि पूर्णांक संख्या होती है 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन, इंटीजर नंबर्स बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको लिखते किस से, आई से एंड जेड से। कहीं मैं सेट्स में लिखूं आई एंड जेड, समझ जाना कि ये कौन से नंबर्स होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या को लिखते हैं डब्लू से, प्राकृत संख्या को लिखते हैं एन से, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम, पूर्णांक के बाद में आता है परिमेय संख्या। पूर्णांक के बाद में क्या आता है, परिमेय संख्या आती है, क्या आती है, परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखो क्या होती है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, ये नंबर्स। अब देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, सेट में क्यू से लिखते हैं इसको। उसके बाद में सेट पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर जीरो हो जाएगा तो ये आंसर इसका इन्फिनिटी आ जाएगा यहीं पे, ठीक है। हो गया मैम 20 मिनट, हो गया।
बस एक दो मिनट और, पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्यों क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देखो इसमें, इसमें देखो एक तो नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर नंबर भी आता है, और ये किससे बिलोंग्स करते हैं, सबके सब रेशनल नंबर से, ये सबके सब नेचुरल, होल, इंटीजर, ये तीनों के तीनों पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या, ये किस में आती है, रेशनल नंबर्स में आ जाती है सबकी सब, ठीक है। ये हो गई अपनी पूर्णांक परिमेय संख्या, ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम।